रेजोल्यूशन पास करके बोला कि हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, इस तरीके से देखते हैं सर। अभी डेवलपमेंट अगर ये हुआ है तो ये तो उन लोगों का मसला था, इस पर ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कह पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके जो है बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है, और ये तो कोई नई बात नहीं है कि एनडीए अलायंस में से अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई और उस बैठक का कोई परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था, खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और जो है बैठक खत्म हो गई। और ये पहला ऐसा अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है, ये भी एक तरह से अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बड़ा साथी रहा है एनडीए का, वो बाहर हुआ है, तो हमको लगता है इससे तो बहुत भारी नुकसान तो भाजपा को होगा ही। हालांकि इससे पहले भी आप देखिएगा शिवसेना भी पार्ट थी वो भी बाहर हुई, जेडीयू बिहार में थी वो भी बाहर हुई, अकाली दल जो था वो भी बाहर हुआ, तो हर जगह जो है ये साफ दिखा रहा है कि एनडीए का मतलब ही नहीं रह गया है अब कुछ। वहाँ एक तानाशाह बैठे और दो व्यक्ति जो है वो देश चला रहे, उसी पे काम चल रहा। आप लोग पर मजाक उड़ाते थे कि आपका कुनबा पहले टूटेगा, आप लोग नहीं, हम लोग तो भाई एकजुट हुए हैं, और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी लालू जी हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है, वो काम में हम लोग सफल हुए, तो हम लोगों का कारवा तो बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बैठक होता रहा।